बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, बांग्लादेश के मसले पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। संसद भवन में बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। केंद्र की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की मौजूदगी रही, ललन सिंह मौजूद थे। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से अगर बात कर ली जाए तो राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मीसा भारती, रामगोपाल यादव सरीखे नेताओं की मौजूदगी थी। फिलहाल बड़ी खबर कि संसद भवन में जो बैठक चल रही थी वो अब समाप्त हो चुकी है। बैठक में क्या फैसला लिया गया वो देखना होगा। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। अदिति, जो सर्वदलीय बैठक चल रही थी वो अब समाप्त हो चुकी है, अंदर खाने से क्या खबर, क्या रणनीति बनी है बांग्लादेश को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है जो कल से सरकार, जिस पर जाहिर तौर पर बहुत जल्दबाजी करके कोई बयान नहीं आए, और कल भी लगातार दोपहर से, क्योंकि हम भी पार्लियामेंट में जब मौजूद थे तब देखा जाता है कि सरकार किस तरीके से साइलेंटली लेकिन बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रही थी सारी गतिविधियां। और जब शेख हसीना का प्लान यहां पर लैंड हुआ उसके बाद उनको सेफ हाउस पर रखा गया, खुद अजीत डोभाल एनएसए उनसे मुलाकात करने गए, और उसके बाद आपने देखा कि रात को कैसे सीसीएस की बैठक, और उसके बाद कैसे अजीत डोभाल, अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री से मुलाकात करके प्रधानमंत्री के आवास पर गए। अब अभी आपको बता दें कि सर्वदलीय की बैठक 10 बजे शुरू हुई, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। सरकार इस सेंसिटिव मामले में जहां बात देश की आती है, और शायद यही सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक जो देश की खूबसूरती है कि भले ही हम सदन में या सड़क में एक दूसरे का विरोध करते रहे, विपक्ष और पक्ष के बीच तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप हों, लेकिन बात जब देश की आती है, बात जब भारत की आती है, तो सब एकजुट खड़े हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में कल राहुल गांधी ने एस जयशंकर, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनसे पूछा कि शेख हसीना पहुंच रही हैं, आगे की क्या गतिविधि है, भारत का क्या स्टैंड है, हम क्या सोच रहे हैं। और अब उस पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में एस जयशंकर ने तमाम जो मुद्दे हुए या आगे सरकार किस तरह से आगे बढ़ने वाली है उसको लेकर अभी जानकारी आ रही है कि वहाँ पर जो ब्रीफ किया गया उसमें ये भी कहा गया कि बांग्लादेश में हजारों की संख्या में 13,000 भारतीय इस वक्त मौजूद हैं। जाहिर है कि जो भी फैसला भारत का होगा वो उनको भी ध्यान में रखकर, यानी कि भारत के हित को सबसे पहले रखकर ही लिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये समझने की जरूरत है कि भारत की अपनी एक विदेश नीति रही है पिछले 10 सालों, वो अपना हित देखता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, और वो डायलॉग में विश्वास करता है। अब भले ये परसेप्शन हो कि हम शेख हसीना के साथ हैं जाहिर तौर पर जब विदेश नीति की बात होती है तो कोई व्यक्ति विशेष से बात नहीं होती, देश के साथ संबंधों से बात होती है। भले ही इस तरह की बात निकल कर आ रही है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट के साथ ये पूरी हुई है चीजें, कहीं ना कहीं उसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट रहा हो, लेकिन भारत कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता और ना ही सरकार की तरफ से कोई जल्दबाजी है। सरकार ये देखना चाहती है, जैसे ये माना जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है वो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी स्टैंड या बयान या स्टेटमेंट अभी तब तक जारी नहीं होगा। कीनली मिनट टू मिनट सब कुछ ऑब्जर्व किया जाएगा और डायलॉग का एक स्कोप रखा जाएगा। देखिए, बांग्लादेश एक नेबरिंग कंट्री है, हमारे रिश्ते उनसे हमेशा से अच्छे रहे, और रिश्ते जब अच्छे होते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, उस देश से अच्छे होते हैं। और हम अभी भी ये कोशिश करेंगे कि जो नई सरकार आई है उसके साथ भारत की किस तरह की रिश्ते रहे, और यही वजह है कि भारत फिलहाल साइलेंटली कीनली ऑब्जर्व करके ये देख रहा है कि आगे बांग्लादेश का क्या एक स्टेप होगा, उसके बाद भारत का स्टेप। अब बात है एक चिंता की जिसको लेकर सर्वदलीय बैठक में भी सूत्र बता रहे हैं, बातचीत हुई, और वो चिंता की बात यह है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो जमात इस्लामी, या फिर अगर बात करें बीएनसी जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वो कहीं ना कहीं वहां रह रहे हिंदुओं पर कुछ हमला या उनके घरों का कुछ नुकसान या संपत्ति के नुकसान जैसी बातें सामने आ रही हैं। ऐसी स्थिति में रखते हुए आदिति कोई फैसला लिया जाएगा। एक अपडेट ये भी है कि विदेश मंत्री ने कह दिया कि बैठक में शेख हसीना को लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका आदिति, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के